यमुना की सफाई को लेकर आप और एलजी में रार। सौरभ भारद्वाज ने कसा एलजी पर तंज। एलजी को दे दी ये बड़ी सलाह। जब जब दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म होता है तो मुद्दा उठता है यमुना की सफाई का। हर बार जनता को यमुना की सफाई के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और हर बार जनता ठगा सा महसूस करती है, क्योंकि पिछले कई दशकों से यमुना कीचड़ और गंदे पानी के सहारे बह रही है। कभी भारत की विरासत समझी जाने वाली यमुना भले ही वैसे स्थिर हो, लेकिन सियासी रोटियां सेकने वाली पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। एक बार फिर यमुना विवादों के केंद्र में है। कारण है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा यमुना की सफाई को लेकर दी गई डेडलाइन। आपको बता दें कि यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, पार्क निर्माण और अन्य प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ घाटों का भी एलजी द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। बीते रविवार को सूरघाट का निरीक्षण करने के दौरान एलजी ने स्पष्ट किया था कि 22 किलोमीटर तक की यमुना सफाई का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। क्लीन वाटर जाएगा, नजब का ड्रेन में भी अभी जितने भी ड्रेन्स मिक्स हो रहे हैं उनको भी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, और करीब 15 से 16 ड्रेन्स को ट्रैप भी कर दिया गया है। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है और बहुत जोर शोर से चल रहा है। मुझे यकीन है कि जो 30 जून का हमने टारगेट रखा है उसमें हम सफल होंगे और यमुना को एक दूसरी शेप दिल्ली के वासियों को देखने को मिलेगी। इधर जैसे ही एलजी ने यमुना की सफाई को लेकर डेडलाइन जारी की, वैसे ही इसका क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार पिछले कई सालों से यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का काम कर रही है और एलजी इसका क्रेडिट ले रहे हैं। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि एलजी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था और डीडीए के कामकाज पर उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यमुना क्लीनिंग जो है, जिसके बारे में एलजी साहब कह रहे हैं कि वो 30 जून तक यमुना को क्लीन कर देंगे, वो यमुना तभी क्लीन होगी जब हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जिनका काम अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं, वो पूरे होंगे। और उनके पास लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आई होगी बात। उनको लग रहा होगा कि सिर्फ नाला साफ करने से ही यमुना ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जब तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी में काम नहीं करेंगे तब तक यमुना ठीक नहीं होगी, तो क्रेडिट मिल ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे बन रहे हैं, हम उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। पप्पन कला में और निलोठी में हमारे एसटीपी प्लांट बन रहे हैं 598 करोड़ की लागत से। ये अरविंद केजरीवाल जी के बजट में इसका प्रावधान था, ये काम चल रहा है। एलजी साहब वहां जाएं तो वो दिल्ली वालों को कम से कम ऐसा महसूस करा सकते हैं कि देखिए एलजी साहब जो है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं। इसके अलावा नजफगढ़ में केशवपुर 1, केशवपुर 2, केशवपुर 3 यहां पर काम चल रहा है 567 करोड़ रुपए का, और ये काम दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना है। तो एलजी साहब यहां जा सकते हैं, इसका क्रेडिट ले सकते हैं। पैकेज 3 है रोहिणी नरेला कोरोनेशन पिलर के अंदर 481 करोड़ का काम हम लोग करा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका बजट दिया है, दिसंबर 2023 इसकी डेडलाइन है। एलजी साहब जाएं, फोटो खिंचाएं, मीडिया को ले जाएं, अफसरों को ले जाएं। अब अफसरों की बेचारों की इतनी हिम्मत कोई ना कि सीओ का जल बोर्ड वहां पे ये बात कहे कि ये काम तो बोर्ड ने पास किया है, बोर्ड के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और विधायकों ने बैठ के इसको पास किया है, पैसा जो है दिल्ली सरकार ने बजट में दिया है। सीओ कहां कह पाएंगे ये बात एलजी के सामने? सीओ ये बात कहेंगे, एलजी उनको अगले दिन हटा देंगे। तो वहां पे उन बेचारे अफसरों को ले जाए, एलजी साहब जैसे ही कहेंगे अफसरों की पूरी फौज सुबह से वहां पे तैयार रहेगी। वहां जाए, थोड़ा ऐसे करें, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और जो है उसका क्रेडिट लें। तो आज हम एलजी साहब को इन सभी कामों के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।